गोल्डबक बन के चैंपियन कर सकते हैं रोमन रेंस को रिप्लेस। पेज को आया AEW की तरफ से ऑफर, द रिवाइवल ने की WWE को छोड़ने की तैयारी और ब्रॉन ने किया फिर से टाइसन फ्यूरी के चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 बड़ी स्टोरीज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत की जाए टाइसन फ्यूरी की न्यूज के साथ। तो टाइसन फ्यूरी के बारे में बताऊं तो बीते कल दोस्तों उनका मैच था बॉक्सिंग के अंदर, जहां उन्होंने वाइल्डर को हरा दिया। ये एक TKO विक्ट्री थी जिसके चलते वो अनडिस्प्यूटेड चैंप ऑफ वर्ल्ड बन चुके हैं। बात की जाए टाइसन की तो जहां टाइसन फ्यूरी के हर जगह चर्चे है, इसी बीच WWE के एक ऐसे बंदे ने उन्हें चैलेंज कर दिया है जो कि इससे पहले उन्हें फेस किया है, यानी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कर दिया है टाइसन को फिर से चैलेंज। तो हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कल टाइसन की विक्ट्री के बाद दोस्तों सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेचुलेट किया और उसके बाद ये ट्वीट किया। तो इस ट्वीट में आप पढ़ सकते हैं क्या कहना है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ब्रॉन स्ट्रोमैन का कहना यह है कि टाइसन चलो फिर से फाइट करे, शायद तुम भी अपना लक आजमाना चाहते होंगे मेरी नई चैंपियनशिप के ऊपर, यानी कि IC चैंपियनशिप के ऊपर। तो एक तरीके का लालच दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस बारी दिया है। पिछली बार दोस्तों वो हार गए थे टाइसन फ्यूरी से, लेकिन वो काउट आउट विक्टरी थी। और गाइज यहां बात की जाए टाइसन वर्सेस ब्रॉन की तो हाँ ये मैच मेनिया में बन सकता है, क्योंकि जैसी अपडेट्स थी बताया जा रहा था कि टाइसन फ्यूरी और WWE के एम्प्लॉयज के बीच में काफी अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी दोस्तों WWE उन्हें फिर से बुक करने का मादा रखती है। तो यहां दोस्तों टाइसन फ्यूरी को कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने चैलेंज। देखते हैं टाइसन फ्यूरी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है पेज से। तो पेज को आज का AEW की महिला की तरफ से चैलेंज। तो AEW में एक महिला है जिसका नाम है बी प्रीस्ली। बी प्रीस्ली दोस्तों कुछ पेज से रिजेंबल करती है इन टर्म्स ऑफ गिमिक दोस्तों। और बी प्रीस्ली की बात की जाए तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था पेज को ट्विटर के ऊपर। तो कल ये वाला ट्वीट किया बी प्रीस्ली ने, आप देख सकते हैं इसके अंदर उनका कहना यह है कि क्या आप रिटायरमेंट से लौटकर मुझे फेस कर सकती है, बेसिकली उनका यही कहना था। जिस पर दोस्तों पेज का रिएक्शन ये आया कि मुझे मनाओ इस चीज के लिए। और फिर हमें देखने को मिला कि बी प्रीस्ली ने वहां एक GIF सेंड किया जिसके अंदर उन्होंने पेज का फिनिशर लगा रखा था। एक तरीके से दोस्तों उन्होंने पेज को वहां टीज कर रखा था। इसके बाद पेज का रिएक्शन आ गया। पेज ने कहा कि मैं भी तुमसे फाइट करने की काफी ज्यादा आमुक थी, तुमसे फाइट करना चाहती थी, लेकिन मैं अभी फाइट नहीं कर सकती, मेरी रिटायरमेंट जारी है। तो साफ सी बात है कि पेज अभी कहीं भी रेसल नहीं कर सकती, चाहे वो WWE क्यों ना हो, चाहे वो AEW क्यों ना हो, चाहे दोस्तों कितना ज्यादा पैसा क्यों ना उन्हें मिले, पेज दोस्तों अभी भी रिटायर है। और माना यह जा रहा है कि आगे जाकर उनकी सिचुएशन में सुधार आ सकता है। तो होप दोस्तों ये सुधार जल्दी आए। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। गाइस इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जैक राइडर से। तो जैक राइडर ने दोस्तों आज चुटकी ली है NXT ब्रांड की। आप जानते हैं NXT को आज दोस्तों 10 साल हो चुके, आज से ठीक 10 साल पहले NXT बना था। और आपको याद होगा उस वक्त का NXT कैसा था और आज का NXT कैसा है, इसी पर दोस्तों जैक राइडर ने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया NXT वालों को। वो ये चीज बोले कि 10वीं एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट है NXT ब्रांड को, और मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा NXT वालों से कि मैंने हाई ब्रोज नामक थिंग की। आपको मैं बताना चाहूंगा हाई ब्रोज दोस्तों जैक राइडर और मोजो की एक टीम थी जो कि कुछ समय तक NXT के अंदर अच्छी चली, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेन रोस्टर के अंदर ये दोनों आए इनकी टीम टूट गई और जैक राइडर फिर से अपने पुराने दोस्त के पास चले गए, यानी कि कर्ट हॉकिंग्स के पास। तो एक तरीके से जैक राइडर ने सॉरी मांगी NXT ब्रांड से कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखते हैं NXT के ऑफिशियल्स का यानी कि Triple H का इस पर क्या रिएक्शन आता है। हम चलते इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई अगली खबर काफी बड़ी है, वो जुड़ी हुई है द रिवाइवल से। तो वो कहावत तो सुनी होगी कि घर छोड़ने से पहले बोरी बिस्तरा पैक करना होता है, और यहाँ दोस्तों बोरी बिस्तरा पैक होना चालू हो चुका है। द रिवाइवल पर अपडेट ये थी कि आज से 3 से 4 महीने बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा वो WWE को छोड़ देंगे और AEW में चले जाएंगे, और इसकी सूचना हमें मिली उस कांड से जो कि बीते कल उन्होंने किया। कल दोस्तों द रिवाइवल के दोनों मुस्टंडों ने एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में, जहां दोस्तों वो ट्रेडमार्क किए हैं इन 3 शब्दों को, इन 3 नामों को,
पहला नाम है दोस्तों टॉप गाइस। तो आप जानते हैं वो खुद को टॉप गाइस कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और इसे वो ट्रेडमार्क करना चाहते हैं, अपनी ओर करना चाहते हैं। दूसरी थिंग है दोस्तों से ये, तो से ये आप सुनते होंगे, से ये करके जो उनका थीम सॉन्ग है, तो गाइस वो भी ट्रेडमार्क वो करना चाहते हैं। इसके बाद तीसरी थिंग जो उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए डाली है वो है दोस्तों नो फ्लिप्स जस्ट फिस्ट। तो आप जानते हैं ये तो उनका कैच फ्रेज है, उनकी टी शर्ट पर भी लिखा होता है। द रिवाइवल दोस्तों पूरी तैयारी कर रहे हैं कि WWE के बाहर जब वो जाए तब भी दोस्तों उन थिंग्स का यूज कर पाए जो कि WWE के अंदर वो यूज किए थे जिससे वो ओवर हुए थे। तो यहाँ AEW में जाने की तैयारी है, काफी ह्यूज न्यूज है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग के न्यू चैंप बनने से और रोमन रेंस को रेसलमेनिया में रिप्लेस करने से। तो इससे पहले माना यह जा रहा था कि फीड वर्सेस रोमन रेंस होगा, लेकिन गाइस खबरें फिर से तेज हो चुकी है इस बात को लेकर कि WWE वाले फिर से प्लान में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो यहां दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता गोल्डबर्ग सुपर शोडाउन के अंदर जीत गए तो रोमन रेंस को फिर चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। दरअसल आप जानते हैं जो मैच होने वाला सुपर शोडाउन के अंदर जो कि प्रॉबेबली मेन इवेंट रहने वाला है वो है फीड ब्रे वाइट वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, जहां ऑड्स दोस्तों अभी फीड के काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एंडिंग मोमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, ऑड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। और गोल्डबर्ग अगर उस मैच को जीत जाते हैं फिर दोस्तों फीड चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग को उनकी चैंपियनशिप के लिए, जो कि दोस्तों गोल्डबर्ग ले जा चुके होंगे यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और रोमन रेंस को इवेंचुअली दौड़ से बाहर होना पड़ जाएगा। तो यहां दोस्तों WWE वाकई में ये बड़ा शेकअप कर सकती है, प्लान्स में दोस्तों ह्यूज चेंज लाए जा सकते हैं। तो डेव मेल्जर यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्व रेडियो की माने तो WWE बैकस्टेज फिर से बात करने लगा इन थिंग्स के ऊपर कि कैसे हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहां दोस्तों जो नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, जो मैच सबसे ज्यादा उछल रहा है वो है फीड ब्रे वाइट वर्सेस बिल गोल्डबर्ग फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ चुके हैं बिल गोल्डबर्ग के चैंपियन बनने के, और यहां दोस्तों ये थिंग हमें देखने को मिल सकती है इवेंचुअली कि जो गोल्डबर्ग है सुपर शोडाउन के अंदर हरा दे फीड ब्रे वाइट को, और उसके बाद जो ब्रे वाइट है वो जाए एलिमिनेशन चेंबर में, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर सारे रेसलर्स को डोमिनेट करके जीते और फिर से चैलेंज कर दे बिल गोल्डबर्ग को मेनिया के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये सब बातें चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं ब्रे वाइट जो है वो अगर एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट होंगे तो ज्यादा ज्यादा टिकट सेल्स होगी, क्योंकि अभी दोस्तों सबसे ऊपर वही चल रहे हैं। वहीं बात की जाए रोमन रेंस के बाहर होने की, तो हां गाइस ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, WWE कई बार रोमन रेंस के साथ ऐसा की है। अब दोस्तों रोमन रेंस की सुई फिर से बीच में जाकर अटक चुकी है, और मेरे हिसाब से WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए। WWE के प्लान्स ये बताए जा रहे हैं अभी के कि उन्होंने फीड वर्सेस गोल्डबर्ग करा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों WWE को ये चीज करनी चाहिए कि फीड वर्सेस गोल्डबर्ग में गोल्डबर्ग को जिताया जाए, और उसके बाद गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया में मेन इवेंट में कराया जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर, साथ ही साथ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।